गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीषा जी, देसाई साहब नमस्कार। नमस्कार मनीष जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते मनीष, क्या हाल है? बढ़िया सर। चलो गुड, वेरी नाइस। आज तो लगता है हम लोग ही हैं बस प्रैक्टिस करने वाले। आज चार ही लोग हैं ना, रितेश आया, ना कांशा आई, ना राजेश आया। चलो कोई बात नहीं, चार भी बहुत है, जहां मिल जाए चार यार वहीं गुलजार होता है। बहुत साल पहले अमिताभ बच्चन बोल के गया ना। चार बहुत है। नहीं आ रहे के दिलीप जी आए हैं। चलिए ठीक है, सो नाइस। पांच हो गए सर, पांडव हो गए अब। हाँ, पांच पांडव हो गए। चलिए गुड। नमस्ते सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सर एक चीज पूछनी थी, ये जो अपना एस्ट्रो से सॉफ्टवेयर है, तो ये पाराशल, ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं पाराशल लाइट जी, ये और वैसा वाला भी मिलता है मार्केट में पायरेटेड में, वो ठीक रहता है क्या? भैया मैंने वो उसको इस्तेमाल करके देखा नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल कर तो रहे हैं उसको। मनीषा जी कर रही है, मनीषा जी से पूछ लीजिए एक बार। अभी तो ठीक ही लग रहा है सर, ऐसी कोई। लेकिन लेकिन एक चीज है कि कभी कभी क्या है, वो कुछ दशा चेंज कर देता है वो कभी कभी। नहीं नहीं, वह दूसरा है कि उसको आपको है ना, वो विंडोज का जो ओएस है वो पुराना लगाना पड़ता है। विंडो 10 पे कभी कभी मिस, वो मतलब प्रॉपर नहीं वर्क करता है। ये उस पे चल जाता है क्या सर, अपना जो आईपैड वगैरह के ऊपर? ना ना, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा गैलेक्सी वाले पे? चलेगा, नहीं चलेगा वो किसी पे भी। अच्छा, मतलब मेरा जो है वो तो नहीं चलता है। मेरा विंडो
10 पे भी नहीं चलता है तो फिर ये iOS उस पे तो कहां से चलेगा। इसलिए मुझे एक पुराना कंप्यूटर पड़ा हुआ था उसको रिपेयर करके मैंने रखा है। एक बार सीख जाएंगे सर से प्रॉपर फिर लेंगे उसको। नहीं ठीक है ठीक है। तो कुंडली वगैरह कुछ देखी थी आपने इस बार? तो सर इस वीक में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए क्योंकि अच्छा, हाँ आपने जब भेजी फिर मेरे भांजे के लड़के का फर्स्ट बर्थडे था तो अच्छा, अच्छा। उसमें, हाँ तो फिर पूरा टाइम उसमें बिजी रहे। चलो आज आज यही देखते हैं हम लोग। हाँ, यही वही, 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 कोई वही, दिक्कत वही, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये कुंडली है इसका आप नोट कर लीजिए। ये इसका डेटा है आपको पास पता रहेगा बर्थ डेटा इसका जो है। ये फर्स्ट वाली है ना IVF वाली ना? हाँ IVF वाली। हाँ, ये 28 अप्रैल 1979 की इसकी डेट है। सुबह 7:05 का टाइम है। सीतापुर वाली। सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये कुंडली है। ये तो हस्बैंड की कुंडली है और साथ में इनकी वाइफ की कुंडली भी आई हुई है। वाइफ की कुंडली में और बता देता हूँ ये वाइफ की कुंडली है इसको भी आप देख लीजिए। 15-7 वाली है। हाँ वाइफ की कुंडली है 15 जुलाई 1979 00020 लखीमपुर उत्तर प्रदेश। ये दो कुंडलियां इनमें बस यही था कि इन इसके अंदर देखना है कि वास्तव में क्या संतान की प्रॉब्लम दिखाई देती है क्योंकि इन्होंने 4 बार IVF कराया और 4 बार IVF इनका फेल हो गया। और 2011 से मार्च 2011 से शुरू किया था इन्होंने कराना। लेकिन फोर्थ टाइम तो आपने बोला ना कंसीव हुआ। फोर्थ टाइम कंसीव हो गया है। तीन टाइम फेल हो गया है। तीन टाइम फेल हो गया है। फोर्थ टाइम कंसीव हो गया है। तो वो कौन सी साल में कंसीव हुआ? वो अभी कंसीव हुआ है इनका जस्ट 2022 में। ओके। हाँ 2022 में कंसीव हुआ है। तो उससे पहले ही ये जब IVF करा रहे थे तो ये कुंडली हमारे पास करीब 6 महीने पहले आई थी। तब ये कुंडली जब ये IVF कराना जा रहे थे तब इन्होंने पूछा था कि हम करा लें क्या। हमने कहा करा लीजिए अब कोई दिक्कत नहीं है। तो उस IVF से इनका थोड़ा अभी तो ठीक चला है। अब देखिए क्या होता है आगे क्या रहता है वो मालूम चलेगा। और ये देखना है अब इसको बड़ी अच्छी कुंडली है कि इसमें संतान की प्रॉब्लम नजर आती है दोनों हस्बैंड वाइफ की कुंडली से या नहीं नजर आती है। कोई मेडिकल प्रॉब्लम नजर आती है या क्या आती है या 2011 में जो कराया था इन्होंने वो फेल दशा वगैरह हमारी कैसी थी क्या उस दशा में फेल हो सकता है IVF वगैरह ऐसी चीजें भी हम लोगों को उसको चेक करनी है। तो पहले ये मेल की कुंडली हम ले लेते हैं। मेल की कुंडली से चेक करिए कि क्या कुछ ऐसा लगता है कि संतान में परेशानी है। एट अ फर्स्ट ग्लांस तो दिखेगा दिख ही रहा है। नहीं ये मेल की कुंडली सॉरी ले लेते हैं पहले ये हस्बैंड की ये है। हाँ इस पे भी कुछ इश्यू तो लग ही रहा है। देखिए इस कुंडली को देख लीजिए एक मिनट। सर इसमें जैसे ये बुध है या शनि है उसको नपुंसक बोला जाता है तो वो देखना होता है? नहीं बुध शनि को नपुंसक नहीं लेकिन ये होता है कि ऐसे देखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये होता है कि बुध की और चंद्रमा की अगर पांचवें भाव पे दृष्टि हो तो प्रॉब्लम होती है कि आदमी बच्चा जो है वो ऑपरेशन से क्योंकि बुध जो है वो भी काल पुरुष कुंडली में छठे भाव का स्वामी है। हा, हा, चंद्रमा मेडिकल का कारक है तो ये बोलते हैं कि मेडिकल चंद्रमा और बुध अगर पांचवें भाव को देखें तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहां पर होती है। तो पांचवा भाव हमें देखना है इसके अंदर कि इस वाले कुंडली के अंदर पांचवें भाव से हमें कोई प्रॉब्लम नजर आती है क्योंकि पांचवें भाव पे भाव के स्वामी की दृष्टि भी है बुध की दृष्टि भी है तो पांचवा भाव तो अच्छा है। भाव तो बली है और पांचवें भाव का जो स्वामी है वो कहाँ गया? वो लाभ भाव में वही लाभ में गया। लाभ भाव है ग्यारहवें भाव में गया। लाभ भाव में गया। अच्छा अब तो देखिए उसके हाँ बोलो बोलो मंगल की दृष्टि आई हुई है। हाँ मंगल की दृष्टि आई हुई है तो इसके खराब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है मंगल। मंगल की दृष्टि खराब होती है। हाँ ठीक है। और सर अगर हाँ सर आप बताइए। नहीं नहीं सो बताओ 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 और चीज बताओ।
और अगर मैंने इस तरह से देखा, अगर इस भाव को हम लग्न बनाते हैं ना पांचवे भाव को, तो छठे भाव में केतु आ जाते हैं और इनके आठवें भाव में सूर्य आ गए, और अगर हम बाद में जाएंगे तो यहाँ पे शनि और राहु दोनों आ गए, तो ये भाव को बिगाड़ने के लिए मतलब तीनों कंडीशन खराब ही है। क्या बात है, इसको लग बना के देखते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। हाँ अब इसको मैं लगन बना लेता हूँ। और देखिए पॉइंट इसके अंदर कुछ, मनीष जी आप देखिए कोई पॉइंट इसके अंदर नजर आता है क्या? इसमें क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अपने घर को भी देख रहे हैं और सेम चीज नवांश कुंडली में भी आ रही है, तो एक प्रॉमिस तो हो जाता है, लेकिन दृष्टि मंगल की और दूसरे जो आप चीजें हैं वो कुछ प्रॉब्लम भी बताती है, लेकिन संतान होनी है ये प्रॉमिस इसमें मजबूती से दिखता है, क्योंकि अपने भाव को देख रहा है भावेश। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देसाई साहब कुछ बोलेंगे? बस वही एक बुध की दृष्टि थी इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत लगी, और मंगल की रादर, लेकिन फिर भी शुक्र भी उधर देख रहा है जो शुभ ग्रह है, और शुक्र मतलब ये कारक बुध भी है, वैसे शुक्र भी तो उसको गिना जाता है फर्टिलिटी के लिए, तो उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत तो सुधर रहा है, तो दिक्कत के साथ होने के आसार लग रहे हैं इसकी कुंडली से। अच्छा दिक्कत है, सम इश्यूज आर देयर, हाँ बट इतना ज्यादा इश्यू नहीं लग रहा है, हाँ इतना नहीं लग रहा है, कुछ कुछ मतलब सुधर रहा है, इश्यू है लेकिन फिर भी सुधर रहा है, क्योंकि देखिए दोनों दोनों में पंचमेश अपने लाभ भाव में गए हुए, दोनों के पंचमेश आप नवांश में भी देखेंगे तो पंचमेश चंद्र बनता है, जो अभी मनीष जी ने बताया वैसे वो भी तो लाभ में ही गए हुए है उधर नवमांश में चंद्र, बराबर है। तो और आप इधर देखोगे सप्तमांश में भी, D7 में भी सेम है, देखिए लाभ में गया हुआ है शुक्र, तो तीनों में वही है, सो प्रॉमिस तो दिख रहा है। सर कारक की पोजीशन भी ठीक है, यहाँ पे वो थर्ड भाव में गए हैं और D9 में सातवें भाव में गए हुए हैं, तो कारक के साथ भी कोई ऐसा इश्यू नहीं लग रहा है। अच्छा सप्तमांश कुंडली में अगर आप देखें संतान के लिए, तो वहां पर भी सप्तमांश कुंडली का जो पंचम भाव का स्वामी दिख रहा है, हाँ और मंगल की दृष्टि भी चूंकि पंचम भाव पे आ रही है, लेकिन लेकिन मनीष जी दृष्टि तो हम सप्तांश में नहीं देखे हैं ना। अच्छा चलो मतलब तो पर फिर वहां पे फिर वही पंचम भाव पर, अच्छा वही आपने, हाँ दृष्टि नहीं लेंगे लेकिन आपने जो बताया ना सप्तांश में भी आप देखिए वो शुक्र ही बनता है उसका पंचमेश, और वो जाके लाभ में ही बैठा हुआ है, तो तीनों कुंडली में सेम हो रहा है, तो लाभ तो है उधर, जो आपने देखा था वैसा है उसमें भी है, जो आपने नवमांश में बताया ना वैसा सप्तमांश में भी बन रहा है, सो देयर इज सम कुछ तो है ऐसा, मतलब प्रॉमिस दिख रहा है मुझे, प्रॉमिस है लेकिन मतलब परेशानी कुछ है इसके, हाँ परेशानी भी है ऑब्वियसली, परेशानी है। इसमें एक चीज देखिए, वो चीज आप थोड़ा देखना भूल गए आप लोग सभी, आपने बाकी सब लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया, शनि की दृष्टि, लग्न पे शनि की दृष्टि भी खराब है ना, लग्न को भी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब पांचवे भाव पे क्या था कि पांचवे भाव का स्वामी गया है कहाँ, लाभ भाव में, लाभ भाव में उसके साथ जो ग्रह बैठे हैं वो ग्रहों को भी देखिए, वो ग्रह किन भावों के स्वामी है, हाँ वो भी है, मंगल जो है वो बारहवें भाव का स्वामी है, द्वादशेष है, मैं अभी वो बोलने ही वाला था और फिर आपने मतलब, हाँ, और शुक्र जो है सस्तेस, हाँ, है उसके साथ, हाँ, है, हाँ, तो वृद्धि तो हो रही है पांचवे भाव की लेकिन परेशानी भी हो रही है, हाँ, obviously. दो ऐसे ग्रह बैठे हैं जो सस्तेस है और द्वादशेष है, तो सस्तेस और द्वादशेष के साथ बैठना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और साथ में जो इसका स्वामी है पांचवे भाव का स्वामी वो पापकत्री में है, एक तरफ सूर्य है एक तरफ केतु है, ठीक है, तो इस तरीके से इस कुंडली में तो इतनी प्रॉब्लम नजर आती है। अब लेकिन हम चलते सर, हैं। सर, सर, हाँ। पाप कतरी में आप बोल रहे हैं लेकिन शुक्र भी तो साथ में है ना, नहीं 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 इधर सूर्य है इधर केतु है, हाँ तो लेकिन बीच शुक्र ये तीनों पाप कतरी में हो गए, ये तीनों पाप कतरी में हो गए, लेकिन आपने ऐसा नहीं बोला था कि जैसे कोई एक शुभ ग्रह साथ में बैठा है तो पाप कतरी का इफेक्ट ना ना थोड़ा कम हो जाएगा ना, अगर शुक्र यहाँ बैठा होता केतु के साथ या शुक्र सूर्य के साथ बैठा होता तो पाप कतरी का इफेक्ट कम हो जाता। अच्छा ये okay. ये तीनों ये वाला पूरा भाव ग्यारहवां भाव और ग्यारहवें भाव में बैठे हुए तीनों ग्रह, ये तीनों okay. ग्रह पापकत्री में है।
सूर्य केतु से, तो ये पाप कतरी में है, तो इसलिए प्रॉब्लम तो नजर इंद्र आती है, प्रॉब्लम नजर आती है, और षष्ठेश के साथ और द्वादशेश के साथ पांचवें भाव का स्वामी बैठा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम नजर आती है। मंगल की दृष्टि भी है, यहाँ प्रॉब्लम तो नजर आती है कि हम ही संतान में प्रॉब्लम तो है। अब एक बार वाइफ का चार्ट देख लेते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम तो वहीं से मालूम चलती है संतान। हाँ, अगर देखें वाइफ का चार्ट देखिए एक बार सर, आईवीएफ में तो वाइफ का ही कंसीडर करना होता है ना। हाँ हाँ, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। आईवीएफ जो टेक्नोलॉजी रही वो मतलब मंगल और केतु कर्म देखते हैं तो वो एक तो ऑपरेशन या उस तरीके की चीज में आ गया। आईवीएफ वाली चीज तो कुछ अलग तरीके की प्रक्रिया रहती है, लेकिन वो भी तो ऑपरेट जैसा ही हुआ ना। देखिए बाहर जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे तो जो बाहर से इंजेक्ट होता है, बाहर से कुछ चीज अंदर जाती है, मतलब आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल ही जा रहा है ना वो। मेडिकल मतलब आईवीएफ को आप किस रूप से देखे हैं, मतलब अगर आप जैसे सवाल है कि आईवीएफ वाला ही अगर आप स्पेसिफिक देखने का उद्देश्य एक है तो वो किस चीज से हम उसको कोरिलेट मेडिकल मेडिकल प्रॉब्लम्स ही देखा जाता है आईवीएफ वाला भी। अच्छा, लेकिन आईवीएफ के लिए शुक्र का भी रोल रहता है ना। अभी इसमें इसमें देखो, इसमें बताइए इस कुंडली के अंदर क्या लगता है आपको संतान के बारे में कि मेडिकल प्रॉब्लम। हाँ बताइए मनीषा जी। पांचवा भाव केतु की दृष्टि है, तो राहु केतु एक्सेस नहीं है, शनि बैठा हुआ है, डिले दिखा रहा है वो तो। अच्छा और देखिए सर, देखिए इसमें शुक्र का, क्योंकि पंचमेश जाके शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, देखिए तो मैंने बोला ना वो आईवीएफ में आप देखना, मैंने देखा है कि ऐसा रोल प्ले होता ही है शुक्र का। शुक्र का रोल आएगा ही आएगा क्योंकि वो आईवीएफ है तो आर्टिफिशियली वो इंजेक्ट होता है, तो फिर उसमें तो मेरे हिसाब से शुक्र का भी रोल आता है। मनीष तुम्हारे क्या समझ में आ रहा है इस कुंडली से, और क्या चीज समझ में आ रही है कि क्या प्रॉब्लम है? पंचम भाव और पंचम भावेश दोनों पीड़ित है, पंचम भाव राहु और शनि की उपस्थिति से और मंगल की दृष्टि से पीड़ित है। आपका स्वामी अपने शत्रु शुक्र के साथ बैठा हुआ है तो उसको भी पीड़ित की श्रेणी में माना जाना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज हो गई। यहाँ जो कारक है वो पाप कतरी में है, कारक पाप कतरी में। गुरु गुरु है ना कारक, तो एक बार एक साइड से सूर्य है बट पार्शल है, पार्शल पाप, पार्शल पार्शल। हाँ पार्शल, क्योंकि शुक्र शुक्र है इसलिए पार्शल हो गया। गुरु अपने मूल त्रिकोण से हट गए हैं। वेरी गुड, इससे भी गलत इफेक्ट आएगा ना। हाँ कारक भी, लेकिन वो नवे भाव के लिए, वो भाग्य भाव के लिए थोड़ा इफेक्ट घटेगा, वो संतान के लिए नहीं। जब हम भाग्य भाव देखेंगे तब हम कहेंगे गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि से आठ में गया है। लेकिन सर फिर वो कारक होके नहीं गिना जाएगा वैसे, क्योंकि वो कारक तो है नहीं। कारक होके वैसे गिना जाएगा, कारक होके वैसे गिना जाएगा, लेकिन वो नवे भाव से नहीं गिना जाएगा क्योंकि नवा भाव मूल त्रिकोण राशि से नवे भाव में है ना। तो कारक है, कारक गुरु है, कारक अपने मूल त्रिकोण से उसमें क्या वैसा नहीं गिनने का, नहीं वैसे नहीं गिनने का है। अच्छा भावेश जब अपने मूल त्रिकोण से, तो गुरु जो है इसके अंदर बैठा हुआ है कर्क राशि में, बुध के साथ बैठा हुआ है। अब बुध कौन है कुंडली के अंदर? बुध वो सिक्स्थ लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी परेशानी है। आप ग्रह की युति में जरूर ये देखिए कि ग्रह कौन सा साथ में बैठा हुआ है, क्या वो सिक्स लॉर्ड ग्रह साथ में बैठा हुआ है मींस के वो कौन से ग्रह भर का स्वामी है, उसकी मूल त्रिकोण राशि किस घर में है, क्या वो छठे आठवें बारहवें भाव का स्वामी है, तो निश्चित रूप से उस ग्रह के अंदर हानि क्रिएट करेगा वो, मतलब जिसके साथ बैठा है उसको भी उसके। हाँ तो इसका कारकत्व थोड़ा कम करेगा वैसे, कारकत्व कम करेगा क्योंकि गुरु एक तो राहु शनि बैठे हैं इसके अंदर, ये सेपरेटिव ग्रह हैं। पांचवा भाव राहु केतु एक्सिस में आ गया, शनि उस पर आ गया, मंगल की दृष्टि हो गई, मंगल दृष्टि उस पर हो गई, तो ये तो मतलब इसके अंदर पूरा नजर आता ही आता है। दूसरा जो कारक गुरु है वो भी षष्ठेश के साथ बैठा हुआ है, कारक गुरु इसका, तो ये प्रॉब्लम है। अगर इसका लग्नेश, और एक चीज और देखनी होती है कुंडली के अंदर, मैंने बताया था कि लग्न का स्वामी और संतान का स्वामी, इसका एक्सिस भी एक बार चेक कर लीजिए कितना है लग्नेश और संतानेश का। जब भी किसी चीज के बारे में कुंडली देखें, दो बारह का एक्सिस है तो ये, हाँ तो ये भी एक बार चेक कर लीजिए कि दो बारह या छह आठ का एक्सिस आता है कैसे आता है, तो वो थोड़ा नुकसानदायक होता है, वो अच्छा नहीं माना जाता।
उसके अंदर संतान होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर 2-12 का या 6-8 का एक्सिस हो लग्नेश और संतानेश में। जब भी किसी कुंडली में देखें, चाहे वो लग्नेश व्यवसाय के लिए देख रहे हैं तो लग्नेश और कर्मेश एक्सिस देख लें, संतान के लिए देख रहे हैं तो लग्नेश और संतानेश का एक्सिस देख लें, सुख के लिए देख रहे हैं तो लग्नेश और सुखेश का एक्सिस देख लें, तो वो ये एक्सिस भी देखना आवश्यक होता है। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज अगर आप इसमें देखें, भावेश कौन है पांचवे भाव का? सूर्य। सूर्य, और मैंने पीछे बताया था आपको, और कारक कौन होता है? गुरु। गुरु वो दो बार गुरु आता है। वो भी दो बार। हाँ, तो मैंने बताया था कि भावेश का और कारक का एक्सिस भी देखना जरूरी है। भावेश और कारक का एक्सिस यहाँ पे 2-12 का है, और D9 में अगर आप जाके देखें तो ये 6-8 का एक्सिस बन जाता है। ठीक है ना, तो कुंडली में ये प्रॉब्लम्स काफी नजर आती हैं इनकी, ये सब चीजें आप देखिए। वाइफ की में ज्यादा प्रॉब्लम नजर आती है। तो कुंडली में जो है ना, ग्रह किसके साथ बैठा है, लग्नेश का एक्सिस क्या बन रहा है, भावेश और कारक का एक्सिस क्या बन रहा है, अंतर दशा के साथ क्या लग्नेश का एक्सिस बन रहा है, या अंतर दशा के साथ जिस भाव की स्टडी आप करने जा रहे हो, सप्तम भाव की स्टडी कर रहे हो, तो सप्तम भाव का एक्सिस कैसा है, सप्तमेश का एक्सिस कैसा है अंतर दशा के साथ, तो वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अंतर दशा फल देने वाली है, और अंतर दशा आपके लगन के लिए कैसी है तो लगन से एक्सिस देख लीजिए, आपके धन भाव के लिए कैसी है तो धन से एक्सिस देख लीजिए, आपके पांचवें भाव के लिए कैसी है तो पांचवें भाव से एक्सिस देख लीजिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है। भावेश और कारक को एक्सिस देखना बहुत जरूरी है। जी बोलिए। इनका जो इश्यू आया है 2011 में, जो IVF हाँ, फेल हुए। चलो देखिए क्यों हो सकता है, क्या दशा हो सकती है। इसमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि सप्तमांश वाले से थोड़ा सा कैसे जोड़ते हैं, क्या देखना चाहिए, वो थोड़ा 2-3 मगर पॉइंट और बता दें। हाँ, मैं बता देता हूँ इसके बाद बता देता हूँ जी। ये राहु में शुक्र की दशा में ये प्रॉब्लम हुई है। 6-8 का एक्सिस, ठीक है, ये देखने से मालूम चल रहा है कि मेल की कुंडली में अगर आप देखें कि मार्च 2011 में राहु में शुक्र की दशा थी, तो राहु में शुक्र का 6-8 का एक्सिस था, तो ये दशा अच्छी नहीं थी। उस दशा में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती थी, मतलब जो कार्य हो रहा है उस कार्य के अंदर रुकावट आ सकती थी। पत्नी की कुंडली देखे अगर हम लोग, वो एक्सेस ने बिगाड़ा ऐसा, या एक्सेस ने बिगाड़ा, राहु था इसलिए भी कुछ इश्यू आया, एक्सेस ने बिगाड़ा इसके अंदर। हाँ, राहु और शुक्र एक्सेस था, और शुक्र पांचवे भाव को देख रहा था। ओके ओके, शुक्र पांचवे भाव, और वैसे वो छठे भाव का स्वामी है। हाँ, छठे भाव का स्वामी है, पांचवे भाव को उसने एक्टिव किया हुआ था, और 6-8। लेकिन सर वो तो फिर लग्नेश भी तो है शुक्र। नहीं, उससे मत देखिए आप, हम सस्टेस की दृष्टि वगैरह तो नहीं मान रहे, शुक्र की दृष्टि तो हम अच्छी मान रहे हैं, उससे नहीं मान रहे हम ये कह रहे हैं। मतलब अंतर दशा का जो पीरियड था वो भी, हाँ, वो भी तो लग्नेश का था। नहीं, लग्नेश का पीरियड था, लग्नेश की दृष्टि छठे भाव पंचम भाव पे थी, तो पंचम भाव एक्टिव तो था, ये वाली बात है ना, खाली हम ये देख रहे हैं कि पंचम भाव एक्टिव था। वो ठीक है, अच्छे के लिए एक्टिव होगा वो बात अलग है, लेकिन पंचम भाव एक्टिव था, और चूंकि 6-8 का एक्सिस था तो पंचम भाव से संबंधित समस्या हुई, ये कहना चाह रहा हूँ। अंतर दशा इन्वॉल्व होगी ना 6-8 की, तो पंचम भाव से संबंधित प्रॉब्लम हुई, क्योंकि पंचम भाव उसमें एक्टिव था। जब राहु में शुक्र की दशा थी तो एक भाव कौन सा एक्टिव था, एक तो 11वां भाव एक्टिव था, लाभ भाव एक्टिव था, एक पंचम भाव एक्टिव था, क्योंकि पंचम पे दृष्टि थी उसकी शुक्र की, तो और लाभ भाव एक्टिव था चूंकि लाभ भाव था। लेकिन जिसका था मतलब अंतर दशा, तो वो छठा भाव में भी तो एक्टिव होगा ना, 6th। हां 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 हां। तो अब इसमें अगर वाइफी कुंडली देखें आप मार्च 2011 में, वाइफी कुंडली का भी आप लगा के देख लीजिए क्या था, उसके अंदर भी आपको कुछ केतु पंचम पे दृष्टि डाले हुए है, ठीक है ना, तो केतु की दशा आई, और तो केतु की दशा ने केतु ने पंचम का नुकसान करा, पंचम पे दृष्टि करी, तो ये प्रॉब्लम इसके। लेकिन सर केतु शनि के उसमें बैठे हुए, तो शनि के जैसे रिएक्ट करेंगे, ऐसा होगा ना, अभी जैसे केतु जो है वो नहीं, केतु शनि के उसमें बैठा हुआ है 11 नंबर राशि में, इसका मतलब वो केतु शनि की दोनों राशियों का फल करेगा,
जब केतु के फल करने की बात आएगी तो केतु यहाँ का फल भी करेगा, ग्यारहवें भाव का फल भी करेगा, केतु दसवें भाव का फल भी करेगा। तो बिहेव वैसे बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है? नहीं नहीं, रिएक्ट करना, हाँ वो शनि की तरह रिएक्ट करेगा, चूंकि शनि के घर के अंदर बैठा हुआ है, वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ वो रिएक्ट करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये ध्यान रखिए कि राहु केतु के अंदर, अब केतु लाभ भाव में बैठा है, लाभ भाव में केतु की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। अगर केतु लाभ भाव में बैठा हो तो लाभ देता है, अच्छा इनकम इनकम देता है, पड़ोसियों से रिलेशन अच्छे करता है, आपके इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे करता है अगर केतु लाभ भाव में हो। लेकिन जो दूसरी राशि है उसकी, दस नंबर की राशि, उसके फल वो अच्छे नहीं देगा। व्यवसाय में प्रॉब्लम करेगा या प्रोफेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा, अगर प्रोफेशन वाला भाव बली नहीं है तो। अगर बली है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफेशन वाला भाव फिर तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, अदरवाइज उस पे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, और जहां दृष्टि डालेगा वहां नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। और दूसरा मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये मतलब राहु केतु के लिए मैं स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन है कि हाँ। मान लो कि उस मतलब वो जहां बैठा है वैसा करेगा या जिसके साथ बैठा है वैसा वो हो। देखिए जहां बैठा है अगर अकेला बैठा है तो अकेला उस भाव के स्वामी का रूप ले लेगा, क्योंकि वो बेसिकली धुआं है, धुआं जहां बैठेगा उस धुआं उसी वेसल के अंदर भर जाएगा। तो जहां बैठा है जिस भाव में बैठा है अगर अकेला बैठा है तो उस भाव के स्वामी का रूप ले लेगा। और अगर साथ में भी कोई ग्रह बैठा है तो उस ग्रह का स्वरूप भी ले लेगा और उस ग्रह के कारकत्वों का रिजल्ट भी वो आपको देगा। मतलब भाव और कारकत्व मतलब वो प्लेनेट के हिसाब दोनों का वो हाँ, करेगा, दोनों का करेगा, मतलब जहां बैठा है उसके भावेश के हिसाब से प्लस जिसके साथ बैठा है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से करेगा। लेकिन उसमें अंतर सिर्फ इतना होगा कि जिस ग्रह के साथ बैठा है उस ग्रह के भावों का फल वो नहीं करेगा, उस ग्रह के कारकत्वों का फल करेगा। ओके ओके ओके, ओके। समझ गया बात को ठीक से? एकदम एकदम। थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे राहु, जैसे मान लिया यहाँ पे केतु बैठा है, ठीक है, अब केतु इस कुंडली में जब भी फल करेगा तो वो ग्यारहवें भाव के फल करेगा, प्रबलता से फल करेगा ग्यारहवें भाव के, क्योंकि वो ग्यारहवें भाव में बैठा हुआ है। दूसरी राशि इसकी दस नंबर यहाँ पर है, इस वाले भाव के भी वो फल करेगा, लेकिन इस भाव के फल वो अच्छे नहीं करेगा, इस भाव के फलों में वो नुकसान लाएगा। अगर ये भाव बलि नहीं हुआ तो इस भाव के फलों में कमी आएगी, प्लस जहां वो दृष्टि डालेगा केतु उन भावों के फलों में कमी करेगा। केतु पांचवी दृष्टि डालेगा, एक दो तीन चार पांच यहाँ पे, छह सात यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आठ नौ यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो केतु अपनी दृष्टि से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, केतु जिस दूसरी राशि का फल कर रहा है उस राशि के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर वो भाव बलि नहीं है तो। लेकिन केतु जिस राशि में बैठा है उस राशि के फलों को प्रबलता से करेगा, अगर वो केंद्रीय त्रिकोण में या लाभ भाव में है तो उस राशि के फलों को वो बहुत अच्छा करेगा, ठीक है। अब केतु बैठा है अकेला, अगर तो केतु अगर अकेला बैठा है तो ये शनि की तरह फल करेगा, क्योंकि शनि की राशि में ये बैठा हुआ है, तो इसने अब इस भाव के स्वामी का रूप धारण कर लिया। अब केतु जैसे यहां पे देखिए, ये राहु है, राहु यहाँ पे दो तरह से फल करेगा, एक तो सूर्य की तरह फल करेगा, क्योंकि राहु जो है इस भाव में बैठा हुआ है तो सूर्य का भी वो ले लेगा वो, तो इसकी दोनों राशियों का फल करेगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही राशि होती है इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो राहु यहाँ बैठा है, अब शनि भी साथ बैठा हुआ है तो ये शनि का रूप भी ले लेगा। अब शनि का रूप लेगा तो शनि के कारकत्वों का फल देगा, मतलब शनि कारकत्वों का फल देने का मतलब ये हुआ कि शनि के भावों का नहीं, इस भाव का या इस भाव का फल वो ना देके सिर्फ शनि के जो कारकत्व हैं कि भाई बीमारी दे सकता है, दुख दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, आलस दे सकता है या हार्ड वर्किंग बना सकता है आपको, चूंकि यहाँ अच्छा बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए शनि आपका केंद्र का स्वामी है, शनि जो है यहाँ पे केंद्र का स्वामी है और राहु त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण में राहु बैठे और केंद्र के स्वामी के साथ बैठे तो राजयोग बन जाता है। तो यहाँ इस कुंडली में बेसिकली ये राजयोग बन जाता है इधर, इसीलिए शायद इनका बाद में कंसीव भी हुआ होगा कि भाई यहाँ पर एक तरीके से राजयोग भी बनता है ये केंद्रीय स्वामी। तो ये राहु केतु के बारे में थोड़ा बस यही ध्यान रखना है आपने कि जिसके साथ बैठेंगे उसका फल भी करेंगे लेकिन उसके स्वतंत्र कारकत्वों का फल करेंगे, और जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के स्वामी की तरह बिहेव करेंगे उसका फल करेंगे, ये राहु केतु का है। अब हम आते हैं दोबारा से हस्बैंडली कुंडली पे, ये देख लिया हमने वाइफी कुंडली में परेशानी है, तो एक बार हस्बैंडली की कुंडली से भी जब ऐसी प्रॉब्लम हुआ करे तो हस्बैंड की कुंडली से भी वाइफ की कुंडली बना के देख लो। जैसे मनीषा जी ने बनाया था, कौन से भाव को आपने बनाया था, छठे भाव को बनाया था, कौन से भाव को आपने बनाया था, आठवें को लगन बनाया था, जिससे बनाया नहीं फिफ्थ को उन्होंने लगन बनाया था, तो अभी पांचवें को सेवंथ बारे में ना सारे हाँ बिल्कुल ठीक बात है, तो उसके बिल्कुल ठीक बात है। जैसे पांचवें को आपने लगन बनाया था
पांचवे को आपने लगन बनाया तो यहाँ पर आप देखें तो ये इसके छठे और तीनों खराब है, तो पांचवा भाव तो इसका वैसे ही बहुत खराब है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा देखा आपने। इसी प्रकार से हस्बैंडी कुंडली के अंदर भी आप ऐसा भी कीजिए कि जो वाइफी कुंडली का भी इससे ट्राई करके देखिए। मान लिया कि वाइफी कुंडली आपके पास नहीं है, सपोज कीजिए, तो क्या प्रॉब्लम नजर आती है? अब हस्बैंडी कुंडली लेकर आ गया, वो बोल रहा है जी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो एक बार जरा नजर डाल लीजिए। नजर क्या डालना है उसमें, कि मैंने बताया था कि अगर हस्बैंडी कुंडली है और वाइफी कुंडली आपने देखनी है तो शुक्र से सप्तम लगाइए। पति की पत्नी की कुंडली है और पति की कुंडली देखनी है तो बृहस्पति से सप्तम लगाइए। ये ध्यान है मनीष, कारक से सप्तम है ना। हाँ, हमेशा इस तरीके से लगाना, कारक से सप्तम लगाना। अच्छा, तो अभी अगर हम लोग क्या है हमारा, अगर हम ये पति की कुंडली हमारी है, मेल कुंडली है, इससे हम फीमेल कुंडली देखना चाहते हैं तो शुक्र कहाँ बैठा है हमारा? शुक्र बैठा है हमारा 12 नंबर राशि में, इससे सातवां भाव यानी ये 6 नंबर, इस राशि को लगन बना लीजिए। इसको हम मोटा मोटा कह सकते हैं कि ये पत्नी की कुंडली है, मतलब कारक से बनाने का, कारक से लगन बनाने का, ठीक है ना। आपको मैं बता चुका हूं कि जिस भाव का आपने डिटेल स्टडी करना है उस भाव को भी आप लगन बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये है कि जब आप एटलीस्ट हस्बैंड वाइफ सन इनकी कुंडली देखें तो कारक से सप्तम, कारक से पंचम ऐसे करके लगाइए। तो सर ये हम चाइल्ड का देख रहे हैं तो हाँ, फिर गुरु से भी तो गुरु से पंचम लगाइए। ओके, पति का देख रहे हैं तो गुरु से सप्तम लगाइए, ठीक है। अब इस कुंडली में अगर आप देखें, इस कुंडली में क्या है कि सातवें भाव में मंगल बैठा है, मंगल के साथ बुध भी हो जाता है तो वो भी ऐसी हो जाता है, और आपका किसी की दृष्टि है गुरु की दृष्टि है, लेकिन सातवां भाव आपका सूर्य केतु के पाप पत्री में भी है, मंगल ही बैठा है, बुध भी साथ में पाप गए हो जाता है, तो आठवां भाव इसके अंदर, सातवां भाव और सातवीं राशि को देखिए, क्या सातवीं राशि पीड़ित है? सातवीं राशि पे सूर्य की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, सही है, क्यों देखा? हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं इसको पिछले बता रहा हूं मैं, कि अगर राशि और वही नंबर का भाव पीड़ित हो तो उस भाव से जो अंग होता है उससे संबंधित समस्या होती है, शनि और सूर्य की दृष्टि। तो जो सात नंबर राशि है इस पे शनि की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, ये भी पीड़ित है राशि, भाव भी, हाँ, केतु की भी दृष्टि है, गुड, तो ये भी पीड़ित है, प्लस आपका ये वाला भाव भी पीड़ित है, सातवां भी, तो सातवां भाव यूट्रस को दिखाता है, तो ये यूट्रस की प्रॉब्लम दिखाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ये इसको रही है और इस तरह की दिक्कत ये हो सकती है। तो एक उस कुंडली से भी आप थोड़ा बहुत मैच करके देख सकते हैं अगर आप पे कुंडली ना हो कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो स्त्री केस में गर्भाशय का जो देखते हैं वो सातवें भाव से देखते हैं, तो सातवां भाव अगर सातवें भाव की राशि ये पीड़ित हो जाए तो ये जरूर है, 100% है कि सातवें भाव से संबंधित जो भी पार्ट हम देखते हैं स्त्री का हो या पुरुष का हो वो उस केस में उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि साहब ये सब चीजें प्रॉब्लम इसके अंदर आई हैं ये सारी, जिसकी वजह से ये दिक्कत इसमें आती है, ठीक है देसाई साहब? कहाँ चले गए? अच्छा हाँ, वो पूछ रहे थे क्या नाम है मनीष, सप्तांश को तो देखना होता है ना, उसमें क्या देखना होता है सप्तांश में? एक तो ये देखना होता है कि सप्तांश के जो लगन है, सप्तांश के लगन में इस कुंडली के D1 चार्ट के कौन से भाव की राशि है, D1 के 6, 8, 12 की राशि नहीं होनी चाहिए। सर मेरे नेट में थोड़ा इशू आ गया था, एक बार रिपीट कर देंगे जरा? हाँ, मैं सप्तांश बता देता हूँ तुम्हें क्या देखना चाहिए सप्तांश कुंडली में देखते हुए। देखिए वैसे मैं आपको बताऊं, जो D1 चार्ट में देखें वही सप्तांश में देखें, वही नवांश में देखें। D1 चार्ट में आपने जो देखा, क्या देखते हैं आप D1 चार्ट में? सबसे पहले तो जो लगन देख, ये आपका सप्तांश का जो है लगन देखिए, सप्तांश में जो लगन हो वो D1 चार्ट के 6, 8, 12 की राशि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो लगन बना हुआ है सप्तांश में 10 नंबर राशि का लगन है जो D1 की चार्ट के 6, 8, 12 भाव में नहीं आता है, तो ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कुछ राहत है, एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें आता है।
फिर आप पांचवा भाव देखिए D7 के अंदर, पांचवा भाव देखा वहां पर कोई पाप ग्रह नहीं बैठा है, दृष्टि तो हम लेते नहीं है सप्तांश के अंदर। पांचवे भाव का स्वामी देखिए यहाँ पे कहाँ है, वो चला गया है लाभ भाव में, लेकिन शनि के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है, लाभ भाव में गया है बट शनि के साथ बैठा हुआ है, ये इसके संग थोड़ा नेगेटिव प्रॉब्लम है। फिर गुरु देखिए, गुरु कहाँ है कि गुरु जो है कारक होता है, गुरु आपका दूसरे भाव में बैठा हुआ है 11 नंबर राशि में, शनि की राशि में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो गुरु का शनि की राशि में बैठना और मंगल के साथ बैठना ये भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। अब गुरु से पंचम देखिए, गुरु से पंचम देखेंगे तो गुरु से पंचम हुआ 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, अगर कोई ग्रह होता तो ग्रह लेते, नहीं तो इसका स्वामी लीजिए बुध, बुध लगने बैठा है तो ये ठीक है। तो सातवां सप्तांश जो है ये मिक्स है, इसमें कुछ दो पॉइंट पॉजिटिव भी है तो 3 पॉइंट नेगेटिव भी इसका, लेकिन बुध वो राहु के साथ बैठा है तो फिर वो भी हाँ, राहु के साथ बैठा है तो नेगेटिविटी नेगेटिव आ गई ना वापस, हाँ नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई, बिल्कुल नेगेटिविटी आ गई उसके अंदर। और मतलब सप्तमांश की जब हम बात कर रहे हैं तो वो उसकी संतान की डिटेल बता रहे हैं पहली बात, हाँ हाँ बिल्कुल, संतान के जन्म की संभावना वो बता रहा है, संभावनाओं में कोई दिक्कत, संतान के भविष्य की संभावनाओं की क्या रहेगी वो बता रहा है, वो बता रहा है। दूसरी बात ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मल केसेस में 80% केसेस में ये देखा गया है कि पहली जो संतान होती है वो आपके D7 के लगन में बैठे हुए ग्रह की दशा में, या D7 के लगन में कोई ग्रह ना बैठा हो तो उसके स्वामी की दशा में होती है, ये आप 80% कुंडलियों पे लगा के देखिएगा आपको मिलेगा। फिर से सर क्या 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 बताया आपने, 80% कुंडलियों में D7 जो कुंडली होती है, हाँ, जो सप्तांश होता है, सप्तांश के लगन में बैठा हुआ ग्रह, अगर लगन में कोई ग्रह बैठे हैं, 2 बैठे हैं, 3 बैठे हैं तो उनकी दशा में, हाँ, या उनमें कोई ग्रह नहीं बैठा हो तो उनके लगन में बैठा जो राशि है उसके स्वामी की दशा में संतान होती है। मतलब यहाँ बुध राहु या शनि, हाँ, ये नहीं होता तो शनि है इसलिए बुध या राहु की दशा में होने के मतलब चांसेस होते हैं। मेल की कुंडली में देखना है, हाँ ठीक है। तो ये आपकी सर संतान होने का या कंसीव होने का, कंसीव होने का मतलब वही हो गया, नहीं फर्क होता है ना सर, क्योंकि कंसीव, देखिए संतान जहाँ बोल रहा हूँ मैं वहाँ कंसीव ही लगाइए, ओके ओके सर, हाँ क्योंकि हम कंसीव लेके चलते हैं, संतान का तो ये है ना, किसी का 8 महीने में, किसी की 8.5 महीने में, किसी की 7 महीने में, किसी की 9 महीने में, तो कंसीव हो गया। हाँ क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि संतान होना जो है वो मतलब एक बार कंसीव होना वो मेल पे डिपेंड करता है ज्यादा, हाँ, लेकिन फिर जो होता है आगे का वो फीमेल पे चला जाएगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कंसीव होने की बात कर लीजिए, हाँ मैं इसलिए अच्छा, क्योंकि तो बात का तो हमको फिर फीमेल की उसमें बात की जो है वो दशा, जैसे आपने लास्ट टाइम भी बताया था माँ, हाँ, वो कैसा है मासाधिपति, हाँ मासाधिपति और वो सब, फिर उस हिसाब से जाएगा ना, वो सब चीज आपको देखनी पड़ेगी उसके अंदर, उसके हिसाब से फिर आपको पता लगेगा ये क्या कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीजें हम लोगों को देखनी है। तो मेरा मतलब सार इसमें यही है कि जब भी कुंडली देखें तो भावेश और कारक का एक्सिस जरूर देखें, जिस भाव की बात कर रहे हैं उस भाव को लगन बना के जरूर देखें, क्या उससे 6, 8, 12 में कोई पाप ग्रह तो नहीं है, या आपकी जो अंतरदशा नाथ है उसका एक्सिस जरूर देखें आपके भावेश के साथ कि कैसा है, अगर अंतरदशा नाथ का जब अंतरदशा देख रहे हैं कभी तो भावेश का और अंतरदशा का एक्सिस भी जरूर देखें कि कैसा एक्सिस आ रहा है, लग्नेश और भावेश का एक्सिस जरूर देखें कि 6-8 का या 2-12 का तो नहीं है, वो एक्सिस D1 चार्ट में भी देख लें, D9 चार्ट में भी देख लें और D7 चार्ट में भी देख लें, तीनों में देख लें, 3 में से 2 में अच्छा है तो ठीक बोलेंगे, 3 में से 2 में गड़बड़ है तो खराब बोलेंगे, तो वो चीज आप ले लीजिए इसके अंदर। तो इस तरीके से कुंडली अगर आप देखेंगे और ग्रह की जहां युति हो, हम नॉर्मली भूल जाते हैं कि यार बुध बृहस्पति बैठा है साथ में उसके, बढ़िया हो गया, ओ भैया बुध बृहस्पति तो आपका 12वें भाव का स्वामी है या वो अष्टम भाव का स्वामी है, वो भी तो देखना है ना आपको, उसका फर्क पड़ेगा, युति के अंदर फर्क पड़ता है, कंजंक्शन में, दृष्टि में नहीं, दृष्टि जो शुभ ग्रह की शुभ ही होगी पर युति जो है अगर अष्टमेश के साथ कोई ग्रह बैठा है तो वो उसका नुकसान होगा, अष्टमेश जिस भी भाव में जाएगा उस भाव का नुकसान भी करेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह का नुकसान भी करेगा, तो वो आपको जरूर देखना है, जब युति हो तो आप जरूर नजर डालें कि ये इसकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर है और ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये ग्रह अष्टमेश की तरह बिहेव कर रहा है, द्वादश की तरह बिहेव कर रहा है या षष्ठी तरह, इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपको कुंडली देखने में कोई परेशानी नहीं, तो ग्रह का नुकसान मतलब उसके कारकत्व में कमी, कारकत्व में कमी आएगी, उसके जो भी जिसका भी जो फल देने वाला वो है तो उसके फल में कमी आ जाएगी।
अब जैसे आप इसके अंदर आप लेते हैं, ये कुंडली लेते हैं हम लोग, सेकंड कुंडली लेते हैं KP6K2 हस्बैंड, ये कुंडली भी आपके पास गई हुई है, इस कुंडली को भी आप लोग देखिए। इस कुंडली में क्या है कि ये कुंडली को आप नोट कर सकते हैं, बर्थ डेटा, ये हस्बैंड की कुंडली है, ये 1 जून 1979 डेट ऑफ बर्थ है, 1 जून 1979। ये सब चीजें जो है ना आप अपने पास नोट करके रखते रहिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस में भी ये सब चीजें काम आती रहेंगी बाद में। तो वैसे तो रिकॉर्डिंग जाती है तो रिकॉर्डिंग से आपको मिल जाएगा, लेकिन आप प्लीज मतलब प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मैं तो सर इसकी कुंडली बना के इसका मतलब आपके जो प्रिंट आउट ही लेके रख फाइल कर देता हूँ, तो वो उसको बना के देखिए और कभी कभी इसको देखते रहिए तो उससे आपको मालूम चल जाएगा क्या क्या चीजें देखनी है। मतलब नॉर्मली क्या है, हमें पता तो बहुत कुछ होता है, पता हमें सब कुछ होता है, लेकिन हम एग्जैक्टली कुंडली देख के एकदम ये नहीं देख पाते यार ये प्रिंसिपल भी लगा लो, ये प्रिंसिपल भी लगा लो, ये प्रिंसिपल भी लगा लो, वो सब चीजें नहीं देख पाते, वो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। कुंडली देखते टाइम तो कर्ण वाली अवस्था होती है, सारे युद्ध के टाइम पे अपना ज्ञान भूल जाता है कि कहां से शुरू करें कौन से क्षेत्र में। हाँ, तो मैंने इसलिए मोटा मोटा आपको बताया ना कि कुंडली देखते हुए मोटा मोटा जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैंने आपको बताया, इसलिए जैसे पीछे बताया था मैंने कि किसी की कुंडली आई है जनरल प्रेडिक्शन करने के लिए तो क्या देखना है, लगन देखना है, चंद्र देखना है, लगन और चंद्र का वो देखना है, प्लस आपका दशाएं देखनी है, कौन कौन दशाएं किस किस एज पे आएंगी और उस एज में क्या क्या बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। 10 साल की एज में कोई दशा आ रही है, 10 साल में बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है, 23 साल की एज में कोई दशा आ रही है, उसकी दशा में विवाह या उसकी बात होती है, 30 साल की एज में कोई दशा आ रही है, उस दशा में संतान की बात होती है, तो उसके हिसाब से उसी दशा में उन चीजों को देखते जाइए तो कुंडली आपकी क्लियर होती जाएगी। और भावेश कारक, भाव कारक, लग्नेश, इनके इनकी लग्नेश एक्सिस वगैरह जरूर देखिए। अब ये कुंडली है हस्बैंड की, मैंने आपको दिखाई, साथ में इधर ये वाइफ की कुंडली है, ये इसको मैं हटा देता हूँ, वाइफ की कुंडली भी आप देख लीजिए, ये वाइफ की कुंडली है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1985, 16:50 हरियाणा रोहतक। ठीक है, तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि इनकी शादी हुई 2009 में, सन 2009 में शादी होती है, एग्जैक्टली इन्होंने वो तो नहीं बताया लेकिन ये बताया कि शायद अगस्त में शादी हुई है, तो अगस्त 2009 में इनकी शादी होती है, जुलाई 2013 में इनका मिसकैरियज हो जाता है, अगस्त 2013 में फेलोपियन ट्यूब जो है वो बस्ट हो जाती है, नवंबर 2013 में ये IVF कराते, नवंबर 2016 में ये लोग IVF कराते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब इनका प्रश्न था जी क्या दोबारा ट्राई करना चाहिए, दोबारा IVF के लिए जाना चाहिए, मतलब इन्हीं कुंडली से ऐसी प्रॉब्लम नजर आ रही है कि शादी हुई, शादी होने के बाद संतान में प्रॉब्लम है, मिसकैरेज हो जाता है या फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो जाती है, IVF सक्सेसफुल नहीं रहता, तो क्या प्रॉब्लम नजर आती है हमको। तो शादी जब इनकी हुई अगस्त 2009 में तो क्या दशा अवेलेबल थी हमारी या नहीं थी, ये हमको चेक करना है। जब भी ये 4-5 चीजें दे रखी होती है ना तो उस समय की दशा जरूर चेक कीजिए। जब हम कह रहे हैं कि अगस्त 2009 में शादी हुई तो अगस्त 2009 में दशा किस किस चीज की, क्या उस दशा में शादी होना संभव है, वो भी आप हम लोगों को अपनी कुंडली चेक करना चाहिए ताकि प्रैक्टिस से फिर हम लोगों को वो सब चीजें याद हो जाएगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ 2009 का भी लगा देता हूँ, आप लोग बताइए कि क्या शादी इसकी 2009 में जुलाई 2000 अगस्त 2009 में हो सकती है। सर एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। ये वाली कुंडली और जो इससे पहले दो कुंडली थी उनमें जो कुंडली में सारे ग्रह राहु केतु के एक साइड हैं, इसका क्या इफेक्ट आएगा, तीनों कुंडली में ऐसा है? उससे मत लीजिए, वो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक, वो लोग नॉर्मली काल सर्प दोष की बात कर देते हैं, वो सब चीजें यहाँ पर हम लोगों को नहीं लेनी। हाँ, वो कुछ नहीं होता, ऐसी कोई चीज नहीं होती। पितृशाप सर्प शाप होता है, सर्प शाप होता है कि पांचवें भाव में राहु बैठा हो, मंगल की दृष्टि हो, तो सर्प शाप होता है, इतना जरूर दिया होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक,
और वो सर्प श्राप के अंदर भी ये है कि पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती, संतान को वो भी नहीं बने करते सर्प श्राप में, बट पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती, पुत्री संतान की प्राप्ति होती है। आजकल तो खैर फर्क नहीं है, पहले जमाने में फर्क होता था तो लोग कहते थे भाई पुत्र नहीं प्राप्त होगा। तो अब इसके अंदर कुंडली के अंदर हम लोगों को देखना है, 2009 में इनकी शादी होती है, अगस्त 2009 में, तो अगस्त 2009 का हम ये लगा लेते हैं, सूर्य में राहु, सूर्य में राहु, तो क्या शादी हो सकती है? सर एक्सिस तो ठीक है, राहु की दशा सातवें भाव को एक्टिव कर रही है, हाँ, और सूर्य की राशि में बैठा हुआ है राहु, ठीक है, राहु की दशा सातवें भाव को एक्टिव कर रही है, तो अंतर्दशानाथ हमारा सातवें भाव को एक्टिव कर रहा है। और थोड़ा प्रत्यंतर पे भी जाएं, हाँ जी, अगर देखते हैं प्रत्यंतर पे, लेकिन क्योंकि डेट नहीं मालूम ना मुझे, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, डेट याद नहीं है, बताए नहीं क्या, मतलब डेट उन्होंने कहा जी अगस्त 2009 में शादी हुई, उन्होंने पूरा एग्जैक्टली डेट नहीं ध्यान बताया, मतलब सूर्य राहु का ही हो रहा है ना सर, देखिए ना, अगस्त तक सूर्य राहु है, उसके बाद भी सूर्य राहु है, तो मोटा सूर्य राहु में तो हुआ है, और हाँ वही तो, सूर्य राहु ही है क्योंकि उसके बाद राहु ही है, प्रत्यंतर में राहु आ रहा है और उसके बाद गुरु आ रहा है, तो गुरु भी तो वैसे कारक ही होता है, तो कोई ऐसा मेजर इश्यू तो, मतलब शादी के पीरियड पे तो बराबर ही है, सिर्फ यही है कि दोनों प्लेनेट थोड़े सेपरेटिव टेंडेंसी के है, लेकिन सूर्य वैसे लग्नेश है तो थोड़ा बहुत तो वो रहेगा, नहीं वो सहा वो तो ठीक है, तो राहु आपका दृष्टि डाल रहा है पांचवें भाव पे, लेकिन एक ही एक प्लेनेट की दृष्टि है तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वही मैं हाँ, लेकिन देखिए दो प्लेनेट यहाँ पर है, राहु और शनि है यहाँ पे सातवें भाव पे, जो दृष्टि डाल रहे हैं, राहु केतु एक्सिस में है और राहु शनि दात इस पे दृष्टि डाल रहे हैं सातवें भाव, तो विवाह में परेशानी तो बिल्कुल एकदम दिखाता ही है, सेपरेशन तो दिखाता है, लेकिन अभी हमारी उसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न हमारा ये है कि क्या संतान की समस्या इसमें दिखाई पड़ती है, इस कुंडली के हिसाब से जरा एक बार आप ट्राई कीजिए, और IVF के लिए क्या ये जा सकते हैं अभी हाल फिलहाल में इसी दृशा के अंदर, पंचम पे तो राहु की दृष्टि है, हेलो आवाज आ रही है मेरी सर, अभी के लिए तो आपको अभी का वो पीरियड लाना पड़ेगा ना इधर दशा, हाँ अभी लगा देता हूँ मैं, एक बार मेरा स्पीकर का तार निकल गया था ना इस चक्कर में वो प्रॉब्लम हो गई थी, सर पैट के लिए कौन सा हाउस देखा जाता है, चौथा फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं सर, फोर्थ हाउस पैट देखिए, यस चौपाए जितने भी हैं हाँ। तो फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं, एग्रीकल्चर चौपाए भैंस गाय बैल ये सब चीजें जितनी भी हैं ये सब फोर्थ हाउस से देखी जाती है, ओके मतलब कब आता है तो अपने पे कैसे, मतलब वो अच्छा है अपने लिए कि नहीं वो, हाँ ये कैसा है वो चौथा भाव से देखिए। अब इसमें देखिए आप पांचवा भाव अगर आप इसका चेक करें इस कुंडली में, पंचम पीड़ित है ना राहु से सर, राहु की दृष्टि है और भावेश बारहवें भाव में चले गए, द्वादश में है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है उनपे, मंगल की दृष्टि पड़ रही है हाँ, और पांचवें में और अपने से अष्टम गए हैं, ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ एक तो बारहवें में गया वो हानि हुई और फिर बार बार हानि हुई क्योंकि अपने से अष्टम गए तो ये भी हो गया, तो संतान की बार बार हानि दिखाता है, यही कारक है हाँ, और यही कारक है, यही कारक के साथ लग गई, यही कारक है, इसलिए इसमें आपको देखना है कि जैसे भावेश यहाँ से चला गया अष्टम में और भावेश जो है वो बारहवें में गया, तो दोनों चीज गड़बड़ हो गई, एक तो बारहवें में गया हानि हो गई, दूसरा अपने से स्टन चला गया तो बार बार हानि हो गई, तो ये क्लियर है कि इसीलिए ये बार बार हानि इनके साथ होती है और संतान में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन इनकी कुंडली के अंदर आ रही है।
कारक गुरु भी 12वें में चला गया, वो भी आपका घर जो है ठीक नहीं है, हाँ वो भी पीड़ित ही है। अब इसके बाद अगर आप देखें अभी किसकी दिशा चल रही है, चंद्रमा में शुक्र की, हाँ चंद्रमा में शुक्र, चंद्रमा में शुक्र, शुक्र की दशा में ये कब कब जा सकते हैं ये लोग आईबीएफ के लिए, मतलब आपके हिसाब से? सर चंद्रमा में शुक्र तो अभी खत्म ही होगा ना, एक दो महीना रहा है, नहीं 23 में, नहीं हाँ 23 तक, हाँ 23 तक, तब तो है, तब तो है। सर एक और बढ़ा दीजिए ना आगे, प्रत्यंतर, प्रत्यंतर ले लीजिए ना सर, दिलीप जी बताइए कब जा सकते हैं अब ये दोबारा आईबीएफ के लिए, दशा मतलब ये जो दशा जो दिखाई है मैंने, इसमें ये दशाओं में संतान कंसीव होने के चांस हैं, पहले तो ये चेक करिए, अगर कंसीव होने के चांस हैं तो फिर आईबीएफ के लिए जा सकते हैं। इन दशाओं में देखिए कि कंसीव होने के चांसेस हैं, चंद्रमा में शुक्र में शुक्र है, चंद्रमा में शुक्र में सूर्य है, चंद्रमा में शुक्र में चंद्र है, चंद्रमा में शुक्र में मंगल है, क्या इन दशाओं में कंसीव होने के चांसेस हैं? अगर कंसीव होने के चांसेस हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ठीक है एक बार ट्राई कर लो। सर 9 महीने तो हो चुके हैं ये, 10 या 10वें या देखेंगे ना अपन चंद्र शुक्र राहु और ये देखेंगे, वो तो टाइम पीरियड निकल चुका है। हाँ जब गुरु आएंगे तब, जनवरी 23 तो चंद्र शुक्र में गुरु की दशा, एक तो चंद्रमा में शुक्र में गुरु में संतान कंसीव हो सकती है, थोड़ी बहुत ग्लिम्स है, पॉसिबिलिटी इतनी ज्यादा तो नहीं दिख रही है सर मुझे, बाकी तो दशाएं है भी नहीं अच्छी। नहीं वो तो खैर आईबीएफ का लेना है इन्होंने, आईबीएफ का तो पता नहीं चलता कि इतना प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, तो वैसे तो नेचुरल कंसेप्शन तो हो नहीं रहा है, वो आईबीएफ के थ्रू ही जा सकते हैं, तो चंद्रमा में शुक्र में गुरु गुरु ही कारक है, गुरु ही। सर इसमें ऐसा है कि फिर उसके 9 महीने बाद केतु की आ रही है, तो अगर वहां होते तो उसमें दिक्कत आ सकती है, उसमें दिक्कत आ सकती है, बिल्कुल सही बात है, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये दशा जो है चंद्रमा में शुक्र में गुरु, इस दशा में मतलब उन्हें कह सकते हैं कि भाई आप आईपीएफ के लिए जाइए, चांसेस हैं आपके, बात बन जाए आपका। लेकिन 9 महीने पहले केतु की दशा आने से पहले ही वो तो सिजेरियन करवा दे रहे हैं बुध की दशा में। हाँ हाँ ऐसा कुछ केतु की में तो सिजेरियन हो ही जाएगा। नहीं नहीं आईवीएफ करेंगे, आईवीएफ करेंगे तो IVF में तो अलग ही सिस्टम हो जाता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। और केतु संतान का कारक है, केतु की दशा में संतान तो होती है ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल होती है, कंसीव होती है, और केतु दशा में संतान जो कंसीव होती है, चांसेस ये होता है कि 50% मेल संतान वो नहीं रहती है, फेल हो जाती है, और होगा तो मेल, मेल होगा तो मेल चाइल्ड, मेल होगा, होगा तो मेल चाइल्ड होगा। हाँ उसमें तो कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखिए पत्नी कुंडली से क्या लगता है कि संतान की प्रॉब्लम है, शनि की दृष्टि राहु केतु एक्सिस, और सर भावेश 8वें भाव में जाके बैठ गए हैं, 8वें भाव में जाके बैठ गए हैं सूर्य के साथ, ये बोलिए ना साथ में। अच्छा सूर्य के साथ ठीक, हाँ क्योंकि सूर्य एक पाप ग्रह हो गया तो साथ बैठ गए, लेकिन सूर्य तो लाभेश भी तो है, अरे भाग्यश तो है, भाग्यश है, काउंट कीजिए, बैठने में नहीं काउंट करना आपने, वो भाग्यश अलग है। ओके दो डिफरेंस आपको बना के रखने हैं, भाई सूर्य के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, वो तो है ही है, फिर उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि मतलब वो आपका किस भाव का स्वामी है, वो भी आपको चेक करना है, ठीक है। तो मंगल यहाँ पे चला गया 8वें भाव में, ये नुकसान हो गया बहुत ज्यादा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए राहु केतु एक्सिस है और शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, बिल्कुल ठीक।
उसका भाव तो खराब हो गया, भाव खराब हो गया, क्योंकि राहु भी सेपरेटिव ग्रह होता है, शनि भी सेपरेटिव ग्रह होता है, तो उस केस में भाव में तो गड़बड़ हो गई। और गुरु देखिए, गुरु धन भाव में चले गए हैं, और मंगल की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है। हाँ यस, सूर्य मंगल से पीड़ित है, तो तारा भी पीड़ित हो गया, तारक पीड़ित हो गया, तो भाव भी पीड़ित है, भावेश भी पीड़ित है, कारक भी पीड़ित, तीनों ही चीज इसके अंदर पीड़ित नजर आती है। संतान के अंदर तो प्रॉब्लम सारी नजर आती है इसमें। सर मित्र की दृष्टि को भी हम पीड़ा मानेंगे, जैसे गुरु सूर्य और मंगल नैसर्गिक मित्र हो गए गुरु के, हाँ, तो हम उसको उससे पीड़ित मानेंगे दृष्टि को, या बोलेंगे नहीं ठीक है? मित्र से कुछ नहीं लेना इसके अंदर, मित्र से कुछ नहीं लेना, दृष्टि अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ, और शुभ ग्रह की जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है उनकी दृष्टि शुभ होती है। मित्र से नहीं लेना उसके अंदर, कि मित्र को देख रहा है तो दृष्टि में कुछ कंसेशन दे दें या ना दे दें, ऐसा कुछ आपको नहीं लेना। अच्छा, ठीक है ना, हाँ, उससे उससे प्रेडिक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल मित्र लेके चलिए। सर लेकिन प्लेसमेंट में तो मित्र देखना है ना, कि वो प्लेसमेंट के, हाँ, वो देख सकते हैं कि प्लेसमेंट मित्र की राशि में है, किसमें, वो आप देखिए, वो देखते हैं, वो आप देखिए, लेकिन वो उसके अंदर नहीं देखना आपने, कि दृष्टि के अंदर नहीं देखना। दृष्टि में शास्त्रों में सिर्फ यही कहा गया है कि पाप ग्रह की दृष्टि पाप और अशुभ ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ। तो अब इसके अंदर आपने देखा कि कारक गुरु भी जो है वो भी सूर्य मंगल से ग्रस्त है, वो भी पीड़ित है, भाव भी पीड़ित है, राहु बैठा हुआ है, शनि से ग्रस्त है, केतु से ग्रस्त है, वो भी पीड़ित है, और चंद्रमा उस भाव को देख रहा है। तो मैंने आपसे बताया था कि चंद्रमा और बुध अगर पांचवें भाव को देखें तो नॉर्मली समझ लीजिए कि मेडिकल ट्रीटमेंट होने की संभावना है। ये संतान भाव के लिए स्पेशली ये एक्सेप्शन है, और किसी भाव के लिए नहीं है। चंद्र का हाँ, चंद्र का और बुध का, चंद्रमा और बुध अगर पांचवें भाव को देखें तो संतान में मतलब कुछ ना कुछ मेडिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसके अंदर, ये ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि बुध जो है काल पुरुष में छठे भाव का स्वामी है और चंद्र जो है काल मेडिकल है हमारा। तो सर इसमें भी तो देखना, दशा देखनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, दशा देखे, अभी दशा देखते हैं इसकी। ओके, अभी तो हमने ये देखा कि इसमें ये सब चीजें प्रॉब्लम है उनके अंदर। इसमें सर सप्तमांश वाले जो आपने अभी तीन चार रूल्स बताए, अगर उसको हम डालें तो हाँ, पहली चीज जन्म कुंडली का पंचमेश सप्तमांश कुंडली में पीड़ित है सूर्य और केतु के साथ बैठने के कारण, तो कुछ संभावना उसमें दिक्कत की हो गई, एक चीज आ गई वहां पे। उसके बाद में जन्म कुंडली का मतलब सॉरी कारक जो गुरु है इसमें वो द्वादश हाँ, में गया है, पुनः उसको हम बोलेंगे कि पीड़ित हो गया, प्रॉब्लम हो गया। फिर गुरु से पंचम देखेंगे, वो गुरु का ही घर हो गया, वो गुरु हो गया, तो गुरु फिर बारहवें भाव में है तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ भी नेगेटिव हमें नजर आता है। शनि बैठ गए जो कि ससुर के घर में बैठे हैं, बिल्कुल शनि बैठे हैं वहां पे, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो गया। पांचवें भाव में शनि बैठा है तो हमें वही देखना है, लगन में कौन सी राशि है, पांचवा भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, अगर नहीं बैठा है तो उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, गुरु कहाँ बैठा है, गुरु से पंचम में कौन सा ग्रह बैठा है, नहीं बैठा है तो उसका स्वामी कहाँ बैठा है, ये हम लोगों ने सप्तांश के अंदर नजर डालनी है। तो वहां से हमको प्लस माइनस मिल जाते हैं, यही प्लस माइनस हम लोगों को देखने हैं इसके अंदर, बस इसमें चल जाएगा। और बाकी डी वन चार्ट देख लीजिए, डी नाइन चार्ट में भी एक बार इस ग्रहों की स्ट्रेंथ चेक कर लीजिए, तो आपको आराम से सब चीजें मिल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज जो चीज आप डी सेवन में देख रहे हैं, हाँ आप कंटिन्यू कर लीजिए सर, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात। हाँ हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो चीज आप डी सेवन में देख रहे हैं अगर वही चीज आप डी नाइन में भी देख लें संतान के केस में स्पेसिफिकली, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे गुरु जी तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब देख सकते हैं। हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आपने कहा सप्तम में देखें तो सप्तम वाले ही प्लेनेट देखेंगे या डी वन वाले प्लेनेट्स देखेंगे? सप्तांश वाले, हाँ। अब जैसे सप्तांश है ना, जैसे सप्तांश चार्ट आपका ये वाला है, तो इसमें आप आइए, सप्तांश का लगन जो है ये तो ठीक है क्योंकि नौ नंबर राशि है, नौ नंबर राशि यहाँ पर तो लगन की राशि है, इसलिए लगन में तो प्लेनेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सप्तांश का ये तो ठीक है, मतलब ये तो अच्छी चीज है। पांचवा भाव आपको देखेंगे किसका, पांचवा भाव जो है उसमें शनि बैठा हुआ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, शनि पांचवें भाव में शनि हो गया। पांचवें भाव फिर देखें गुरु, गुरु बारहवें भाव में बैठा हुआ है, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो गया। फिर देखें गुरु से पंचम, गुरु से पंचम कौन सी राशि हुई, वो बारह नंबर राशि हुई,
वो स्वामी गुरु हुआ, तो गुरु अगेन 12वें भाव में हो गया, तो ये भी तो हमारे नेगेटिव ज्यादा हैं, पॉजिटिव हमारा बस एक ही पॉइंट है कि लगन की जो राशि है वो एक ठीक है बस खाली, और कोई इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट हमारा नजर नहीं। ये कह सकते हैं कि संतान का प्रॉमिस तो है क्योंकि वर्गोत्तम हो गया वो सप्तमांश जो है, बट दिक्कत होगी। देख लीजिए गुरु का प्रॉमिस, प्रॉमिस तो बहुत ही कम, मुझे तो बहुत कम दिख रहा है, कम चांसेस है, बहुत ही कम। गुरु का रिलेशन अगर पंचम से, पंचमेश से, नवम से या नवमेश से अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि संतान की चांसेस हो सकते हैं, लेकिन गुरु का संबंध पंचम से नजर नहीं आता, पंचमेश से नजर नहीं आता, पंचमेश से नजर आता है। दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, मंगल और गुरु दोनों दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। हाँ, तो ये एक आप लोगों के पॉइंट से पॉइंट निकला है, ये एक पॉइंट हो सकता है जो कह सकते हैं कि कुछ होप दे सकता है, मतलब इंसान को कि भाई आप यू कैन गो फॉर IVF, जाके देखो, ट्राई करो, शायद कुछ होप है, क्योंकि पंचम या पंचमेश से गुरु का संबंध है, ब्लेसिंग्स हैं गुरु। सर एक चीज पूछना चाह रहा था मैं कि गोचर हाँ। को क्या वर्ग कुंडली पर अप्लाई किया जाता है? नहीं 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 नहीं, वो मैं नहीं। वो कपूर साहब, कर्नल कपूर है ना, कौन वही करते हैं खाली, और कोई नहीं करता, उसे मत कीजिए, गोचर कुंडली पे मत करिए इस चीज का बिल्कुल भी काम, वर्ग कुंडली के ऊपर। तो ये एक हमारा कुंडली थी। अब इसमें हम देखें, अब इनके पास IVF का तो है ही है, अब IVF का भी जैसे देसाई साहब ने कहा कि बहुत लिंक चांसेस हैं सब चीजों के करने के, क्योंकि कुंडली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो क्या ये गोद ले सकते हैं बच्चा? गोद लेने के लिए क्या देखते हैं, क्या इनको ये सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया आप बच्चा गोद ले लीजिए? मेल फीमेल कुंडली देखे, जानकारी नहीं है सर, गोद के लिए तो फिफ्थ और लग्न लग्न लग्नेश का पंचमेश और लग्नेश का एक्सेस देखना पड़ेगा ना पहले तो। नहीं हाँ वो तो ठीक है, लग्नेश हाँ। पंचमेश का एक्सेस तो आप देखिए देखिए, वो तो आपको वैसे भी संतान के लिए देखना देखना है हाँ। लग्नेश पंचमेश का एक्सेस तो आप संतान के लिए आपको देखना ही देखना है, उसमें तो कोई दो राय वाली बात आपकी है ही नहीं, वो तो है ही। लेकिन गोद लेने के लिए अगर कोई कहता है कि जी मैं बच्चा, चलो IVF इनका एक क्वेश्चन था कि जी क्या हम गोद भी ले सकते हैं अगर IVF फेल होता है तो उनका वो क्वेश्चन भी था, तो अब उस केस में आप क्या देखेंगे, उस केस में आपको छठा भाव देखना है दोनों की कुंडली में। अगर दोनों की कुंडली का छठा भाव ठीक है, बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि हाँ आप गोद ले सकते हैं। इसका हस्बैंड का तो मतलब ये जो वाइफ का दिख रहा है ना, तो हस्बैंड का छठा भाव आप देख लीजिए, इस पे गुरु की दृष्टि है, चंद्र की दृष्टि है, अच्छा है हाँ, अच्छा, और उसका भी तो अच्छा है, वाइफ का उसका भी अच्छा है, वाइफ का भी उसके लगने हाँ, अपनी राशि में ही वो स्वामी बैठा हुआ है और गुरु की दृष्टि हाँ, है गुरु की दृष्टि है, तो ये मतलब यहाँ पर छठा भाव ठीक है। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है भाई, आप अपना संतान अगर IVF आपका नहीं होता तो आप गोद ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इन्हें गोद संतान ली जा सकती है। तो जब भी कोई पूछे आपसे कि हम संतान गोद ले सकते हैं, तो वो जरूर चेक कर लीजिए कि वह आपका छठा भाव दोनों का मजबूत है या नहीं, और छठा भाव दोनों का पीड़ित है तो उस केस में गोद ले तो लेगा इंसान, लेकिन उसे आगे जाके समस्या रहेगी, संतान नालायक निकलेगी या कोई परेशानी उसको रहेगी हमेशा, मतलब सुखी नहीं रहेगा। गोद ली हुई संतान छठे भाव के स्वामी से देखेंगे या संतान को गोद लेने की प्रक्रिया को छठे भाव से देखना है? संतान को गोद लेने की प्रक्रिया छठे भाव से देखेंगे कि संतान भाव आपका कैसा है, संतान वो छठा भाव आपका मजबूत है या नहीं है। अगर छठा भाव आपका बलवान है तो ठीक है, अगर छठा भाव आपका बहुत पीड़ित है तो आपको गोद नहीं लेना चाहिए। और अगर सर गोद ले लिया तो उस संतान के बारे में चीजों को देखना रहेगा अगर, तो वो फिर कहां से देखे जाएगा? वो तो फिर आपका उसी पांचवें भाव से देखना है आपको। अच्छा, वो आपको उसी पांचवें भाव से देखना है गोद ली संतान के बारे में, वो तो फिर आपको एक बार आपने गोद ले लिया तो फिर तो पांचवा भाव ही आपका इन्वॉल्वमेंट में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका छठा भाव दोनों का कमजोर है और आपने गोद ले लिया, तो उस केस में फिर वो प्रॉब्लम हमेशा कुछ ना कुछ लगी रहेगी लाइफ में, और वो सक्सेसफुल नहीं रह पाता, वो मतलब जो चीजें हैं जो आप सोचते हैं उस हिसाब से वो चीज सक्सेसफुल नहीं रह पाती। एक चीज और सर, जैसे हाँ। पहली संतान पांचवें से, दूसरी सातवें से और तीसरी नौवें से, ऐसा कुछ रहता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहली संतान, दूसरी संतान सब पांचवें से देखनी है। आपको सातवें से सिर्फ ये देखना है कि दूसरी संतान का सुख है या नहीं है छोटे, क्योंकि देखिए तीसरे तीसरा जो भाव होता है आपका, तीसरा भाव आपका सहोदर का भाव होता है, अनुज का भाव होता है। आपको सारी संतान पंचम से ही देखनी है और कोई भाव आपको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन पंचम से सप्तम को आप
सप्तम भाव को आप चेक कर सकते हो, ये चेक करने के लिए क्या छोटे मतलब भाई बहन का सुख बनता है या नहीं बनता संतान के, क्योंकि ये संतान का छोटा भाई बहन का भाव हुआ तीस सातवां। जी सर, जैसे दो बच्चे हैं, हाँ, या तीन बच्चे हैं, अब हमें मान लीजिए किसी को सवाल अपने दूसरे बच्चे के स्वास्थ्य या कुछ चीजों को लेकर के है उसकी कुंडली के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो चीजों को हम सातवें भाव से विवेचना करेंगे या पांचवें से करेंगे? पांचवें से तो तीनों संतान आ गई कि हमें तीनों पैदा हो गई और ओवरऑल। बिल्कुल 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 नहीं, उसके लिए फिर आपको उसके लिए उसी कुंडली लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसके लिए आपको उसी कुंडली लेनी पड़ेगी अगर वो होता है। देखिए, बड़ा बच्चा जो है ना, पुराने जमाने में क्या होता था कि आपको मालूम ही है कि राजा महाराजा अपने बड़े बेटे को गद्दी सौंपते थे। बड़ा बेटा जो है बहुत ही वो माना जाता था कि उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, बड़ा स्वाभिमान का प्रश्न होता था। कोई कहता था मैं अपने घर में बड़ा हूं। अब तो खैर सब बराबर हो गए, बड़ा छोटा सब बराबर है, कोई राजगद्दी तो कहीं है नहीं किसी के पास। लेकिन फिर भी फादर की कुंडली देखनी हो या मदर की कुंडली देखनी हो, तो आपको अगर देखनी है तो आपको बड़े बेटे की चार्ट से ही देखनी पड़ेगी। आप चाहे अगर अपना फादर का चार्ट देखना चाहते हैं और आप कहें कि जी मैं छोटे बेटे का चार्ट ले लूं, उससे मैं फादर का चार्ट देख लूं कि भाई मैं सूर्य से नवम भाव लगा लेता हूं और फादर की कुंडली को चेक कर लेता हूं, तो वो नहीं होगी। बड़े बेटे के कुंडली से आप सूर्य से नवम लगाइए, आपको फादर की कुंडली काफी कुछ राइट मिल जाएगी और काफी कुछ उसमें सही हो जाएगा। तो जहां भी है ये बड़ा बच्चा इन्वॉल्व होता है, तो बड़ा के लिए तो आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटे के लिए आपको फिर छोटे का ही चार्ट चाहिए, उसमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये चार्ट आप लोगों ने लगाया, ये बड़ा यहाँ तक तो बड़ा सही इसमें किया। इसके अंदर आज हम लोगों ने चार कुंडली डिस्कस कर ली, ये बड़ा अच्छा रहा, फास्ट थोड़ा सा रहा हमारा काम इसके अंदर। सर, इसमें सर आपने ओवरऑल सजेशन और उनको वो रेमेडी टाइप में क्या बोला कि वो आईवीएफ कराएं या इस प्राथमिकता किसको दे सकते हैं, आईवीएफ को या संतान को? हमने कहा जी एक चांस आईवीएफ का ले लीजिए, क्योंकि आदमी आता है अपनी तैयारी से, उसको अब ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, क्योंकि आदमी का आपको ये भी पढ़ना है कि उसके मन में क्या है। अब उनके मन में था आईवीएफ करने का, तो हमने कहा ठीक है साहब एक बार आईवीएफ करा के चांस ले लीजिए, और नहीं तो आप गोद पे चले जाइए, सीधे आप गोद ले लीजिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें कोई ऐसा चीज बनती नहीं है। अच्छा। वो उसके लिए, हाँ उसके लिए क्या होता है कि नवम से, अभी मैं वो कुंडली उस तरह की लेकर आऊंगा कि जहां पे आपके सामने आगे जहां पे पूजा पाठ करने से चीजों की प्राप्ति होती है, उसके लिए कंडीशन होती है। हर कुंडली के अंदर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसके लिए नवम से नवमेश से संबंध होता है। वो संबंध कैसे होता है वो मैं आपको आने वाली कुंडलियों में बताऊंगा, जब मैं इस तरह की चीज आपको बताऊंगा कि कहां पे पूजा पाठ के थ्रू आपको सजेस्ट करना है। जब रेमेडीज पढ़ाऊंगा मैं आपको जी। तब आपको सजेस्ट करूंगा कि रेमेडी कहां बोलनी है आपने और किस क्षेत्र में बोलनी है। हर चीज में रेमेडी नहीं बोल देनी है। कोई पीछे पड़ा हुआ है तो बोल दीजिए भैया विष्णु सहस्त्र नाम कर लो या गोपाल हृदय स्त्रोत मंत्र कर लो। हरिवंश पुराण के अंदर लिखा हुआ है, तीन पेज छोड़ के लास्ट पेज में, गोपाल हृदय स्त्रोत मंत्र बच्चे का मंत्र है, संतान का मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। अगर कोई वैसे भी करे तो बहुत फायदा होता है। कोई कह रहा है जी पीछे पड़ा हुआ है, तो ठीक है भैया गोपाल स्त्रोत हृदय स्त्रोत मंत्र कर लीजिए और इसको एंड यू गो फॉर दैट आईवीएफ के लिए, और नहीं हो तो फिर अपना बच्चा गोद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कुमार ये पुराण को ये पैरासिटामोल टाइप की हमने दे दी कि अगर संतान वाली कुछ है तो आप ये कर ले वो सब। हाँ हाँ, विवाह भाव से संबंधित भी विष्णु से, देखिए संतान के लिए तो गोपाल हृदय स्त्रोत सबसे बढ़िया चीज होती है। गोपाल हृदय स्त्रोत जो है वो दे दीजिए, हरिवंश पुराण के अंदर वो दिया हुआ है, नहीं तो वो गूगल पे मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका लेना है तो गूगल पे वो मिल जाएगा, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, उसका जाप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और विवाह के लिए प्रॉब्लम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो लेडीज को तो विष्णु सहस्त्रनाम तो बिल्कुल बाई फेल रिकमेंड कर दीजिए कि विष्णु सहस्त्रनाम तो आप कीजिए, तो वो पति के लिए, पति को अपनी ओर लेने के लिए बहुत ही अच्छा होता है विष्णु सहस्त्रनाम करना। जी सर, थैंक यू। तो इस तरीके से है। दिलीप जी आपका कोई सवाल इससे पहले कि हम लोग आज क्लास को खत्म करें, नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरी कुंडली लेकर आएंगे। एक कुंडली इसमें छूट गई है शायद, अभी वो कुंडली थोड़ा लंबी है इसलिए मैं चालू नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बीच में वो छूट जाएगी, वो काफी लंबा उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट टाइम में आपको बड़ा मजा आएगा, उसको आप पढ़ के रहिएगा। जो मैंने ट्रेवल में जाना है मुंबई, अभी थोड़ी देर से निकलना है। हां जी, ट्रेवल करना है मुंबई, निकलना है दिखाने के लिए।
अच्छा, नहीं नहीं निकलिए निकलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप निकलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट संडे हम लेंगे तो उसके अंदर वो वाली कुंडली करेंगे, जो थर्ड कुंडली आपको दी हुई है ना मैंने, जिसमें हस्बैंड की है, वाइफ की है, बेटी की है, तीन कुंडली है, और वो मतलब डिवोर्स चाहते हैं वो वाली। हाँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें उन्होंने कम से कम 20-25 प्रश्न पूछे थे हमसे, और वो 20-25 प्रश्नों का आंसर वो कैसे देना है। लेकिन आपने तो हम एक ही एक दो ही डाला है ना। हाँ, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा कि उसने क्या और पूछा, क्या और पूछा। हाँ, तो हम उस हिसाब से एनालाइज कर सके। सर, दूसरा एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, बोलो। अभी इससे अलग है थोड़ा। हाँ, मान लो किसी की कोई हमको पूछता है, जैसे उसको वहाँ फॉरेन मतलब वो है और वर्क परमिट मिल गई है और पीआर के लिए उसने अप्लाई किया हुआ है, तो फिर उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? बारहवें भाव का भाव सिद्धि काल देखिए, बारहवें भाव से होता है पीआर वगैरह। नहीं मतलब फिर अब वहां उसको मिलेगा कि नहीं, तो फिर और फिर वो कैसा रहेगा उसका वहां रहना, तो फिर बारहवें से चौथा देखेंगे या वहां रहने का है तो वहां रहने का है तो फिर चौथा ही देखना है ना। हाँ, वहां रहने का है तो चौथा देखना है, अगर पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी उसके लिए बारहवां भाव देखना है कि बारहवां भाव एक्टिव होना चाहिए। ओके, ठीक है ना। अगर बारहवां भाव एक्टिव नहीं है तो काल पुरुषी कुंडली के हिसाब से कोई ग्रह अगर कोई भाव एक्टिव कर रहा है तो काल पुरुषी कुंडली हिसाब से कहीं वो बारहवें भाव का स्वामी तो नहीं है या बारहवें भाव को उदी कर रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। मतलब बारहवां भाव आपका एक्टिव होना चाहिए तो आप कह सकते हैं कि हाँ आपको, और फिर गोचर चेक कर लीजिए और फिर आप कह सकते हैं कि ठीक है आपको पीआर मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी मेरे पास नहीं, मैं इसलिए अभी जस्ट पूछा कि मेरे पास एक आए थे तो उनके लड़के का वर्क परमिट मिल गया लेकिन कनाडा में, और उन्होंने वहां शादी कर ली, इन्होंने यहाँ अपने रीति रिवाज से शादी के लिए दिसंबर फिक्स कर दिया, और अभी अभी उसको उसके उनके लड़के को ऐसा मिला कि भाई मतलब वो वर्क परमिट में ऐसा लिखा हुआ मिला है कि आप कनाडा छोड़ेंगे तो फिर कभी वापस यहाँ हम नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही मिलता है वहां से। तो फिर अभी अब यहाँ पे तो वो सब लेके बैठ गए है। हाँ, वो मुझे पूछ रहे थे कि मैं क्या क्या कुछ उनकी फाइल रख दी है पीआर के लिए, तो बोल रहे है दोनों लड़के और लड़की की दोनों की कुंडली उन्होंने बताई और बोल रहे हैं कि किसी किसी का भी वो पीआर जो लग जाता है तो फिर मेरा टेंशन खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक, वरना फिर मुझे वो पूरा यहाँ का जो भी सब बुकिंग वगैरह कैंसिल करना पड़ेगा, सबने बाहर से यहाँ आने की टिकट बुक कर दी है, इसलिए मैं आपको अभी इस टाइम पे मैंने आपको इसीलिए पूछा कि मैं उसको किस तरह से चेक करूं, एनालाइज कैसे करूं मैं उसको। वो दोनों की कुंडली मुझे उन्होंने दी है तो क्या पीआर का क्या लग रहा है वो मैं कैसे चेक करूं? अच्छा, एक काम कर दीजिए, मुझे आप वो कुंडली भेज, दोनों मैं आपको दोनों भेज देता हूं, आप दोनों भेज दीजिए, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ, प्लीज सर, प्लीज, थैंक यू। ठीक है, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट थी आपसे। बोलिए। हाँ, बोलो। इसमें आपने बोला था कि वो कुंडली का फोटो इसका पार्सल लाइट वाला आप शेयर कर देंगे सर, डिटेल देंगे तो थोड़ा सा। हाँ, मैं कर दूंगा, ये मैंने बताया ना, सर ने दी उस दिन, दो दिन से मैं बिजी हूँ, और अभी मैं आपको सच बताऊं आज क्लास में कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि वो सोलर का फिटिंग चल रहा है ऊपर। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैं डेफिनेटली तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम 110% मैं भेज दूंगा, उसमें कोई नहीं, भेज दूंगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। जो भी चीज शेयर कर सके शेयर कीजिए। नहीं नहीं, मैं सब मेरे पास जो भी आता है मैं आप देखिए मैं शेयर कर ही देता हूँ। नहीं नहीं, आप तो करते आपने हैं, देखा है मैंने, पहले बैच में भी ऐसी करते थे। हाँ, वो कोई इश्यू ही नहीं है मुझे शेयर करने में। चलिए चलिए, मैं कर दूंगा, है ना। चलिए ठीक है, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नमस्कार सर। नमस्कार।